नमस्कार, मैं यशराज और केवीएस किड्स जोन के साथ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज यानी 12 अप्रैल के दिन इतिहास में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर के, यानी आज के दिन इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु और बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन बर्थडेज के बारे में, जिनका आज के दिन जन्म हुआ। तो आज के दिन 1621 में सिख गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1885 राखल दास बनर्जी, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता, इनका जन्म हुआ था। और आज के दिन 1917 में विनू मांकड़, इनका प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ियों में से एक थे, इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। और आज के दिन 1910 में केदार शर्मा, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1943 में सुमित्रा महाजन, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 16वीं लोकसभा की अध्यक्षा, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1954 में सफदर हाशमी, प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1981 में तुलसी गेबार्ड, अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू अमेरिकी सांसद, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1937 में गुलशन बाबरा, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आइए आप जानते हैं आज के दिन जिनकी मृत्यु हुई, जिनका निधन हुआ, जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। तो आज के दिन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश, दिल्ली का शासक, इनका निधन हुआ था। और आज के दिन 12 अप्रैल 2006 को राजकुमार, कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, इनका निधन हुआ था। और आज के दिन 1978 में ताज भोपाली, एक प्रसिद्ध शायर, इनका भी आज के दिन निधन हुआ था। और आइए आप जानते हैं आज के दिन अन्य घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज के दिन 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। और आज के दिन 1927 में ब्रिटेन ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। और आज के दिन 1946 में सीरिया पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ था। आज के दिन 1973 में सूडान ने अपना संविधान बनाया। आज के दिन 1981 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पहली बार प्रक्षेपित किया गया। और आज के दिन 2007 में पाक के ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत की मंजूरी उनकी दी गई। और आज के दिन 1991 में खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। आज के दिन 1998 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। और बात करें अगर अगली घटना की, तो आज के दिन 2007 में पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत को मंजूरी दी। एयरलाइंस जेट ने एयर सहारा को खरीदा आज के दिन 2007 में। और आज के दिन 2014 में मशहूर गीतकार गुलजार साहब को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और आइए अब जानते हैं आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। तो आज के दिन रेल सप्ताह जो है मनाया जाता है, 12 अप्रैल में जो है ये रेल सप्ताह का एक दिन है। और आज ही के दिन वर्ल्ड डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स ये मनाया जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग केवीएस किड्स जोन, जो हमेशा आपके सामने आता है कुछ नई घटनाएं लेकर के, हर दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका इतिहास, जन्मदिन, निधन, ये लेकर के आपके सामने हाजिर होता है। और अगले दिन हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर के। और तब तक के लिए शेषराज को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।